अब सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखो ये आ गया ईशान, दिल जला है, दिल जले। रमेश ने 40%, रमेश ने 40% सैलरी अपनी खर्च कर दी खाने पर, 18% खर्च कर दी रेंट पर, 12% खर्च कर दी एंटरटेनमेंट पे, मतलब अलग तरह का मनोरंजन करता है ये, ठीक है, और 5% कन्वीनेंस पे खर्च कर दी आने जाने पर। बट ड्यू टू ए फैमिली फंक्शन ही हैज टू बोरो ₹16,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ 20,000 हिज मंथली सैलरी इज। यार देखो मेरी बात को सुनना, ये सारे खर्चे करने के बाद भी उसको, सारे खर्चे करने के बाद भी उसको एक उसको 16,000 रुपये खर्च उधार लेने पड़ गए, उसको 16,000 रुपये उधार लेने पड़ गए 20,000 रुपये का खर्चा करने के लिए। इसका मतलब ये होगा, सुन लीजिए ध्यान से, इसका मतलब ये होगा 4,000 रुपये उसके पास बचे हुए थे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सुन लीजिएगा, 20,000 का खर्चा करने के लिए इसने 16,000 रुपये उधार लिया, इसका मतलब ये है ना, ये सारा खर्चा करने के बाद उसके पास 4,000 रुपया सेविंग बची थी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और आप जब इसको ऐड करेंगे 40%, 18%, 5%, 12%, ये बनेगा 75%। इसका मतलब ये हुआ उसकी बचत 25% थी, जो कि 4,000 के बराबर है। जब 25% 4,000 के बराबर है तो 100% 16,000 के टिंग टिंग टिडिंग हो जाएगा आंसर। भाई साहब क्वेश्चन ना एकदम चील की निगाहों से देखना कि आंसर कहाँ है।